नमस्कार हिमाचल, तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इकलौता चिराग की खड में डूबने से मौत हो गई है। क्या खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, क्रिकेट खेलने गए घर के इकलौते चिराग की खड में डूबने से मौत। मंडी जिला के उपमंडल सरका घाट की चौक बराड़ता पंचायत के जरल गांव के 12वीं कक्षा के छात्र की रेसा खड में डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान साहिल 16 वर्षीय पुत्र कमलेश कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार साहिल गांव के अन्य लड़कों के साथ रेसा खड्ड किनारे स्थित मैदान में क्रिकेट खेलने गया था। खेलने के दौरान वो खड्ड में नहाने के लिए चला गया और इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल सरका घाट में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। साहिल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। साहिल के पिता कमलेश कुमार, जो कि टैक्सी चालक हैं, घटना के समय गाड़ी लेकर सैंज गए हुए थे, जबकि माता गांव के महिला मंडल की महिलाओं के साथ मंदिर गई हुई थी। डीएसपी संजीव गौतम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर यह है कि मंडी जिला के उपमंडल सरका घाट की चौक बराता पंचायत के जल गांव के 12वीं कक्षा के छात्र की रेसा खड में डूबने से मौत हो गई है। तो जो मृतक था इकलौती, ये माँ बाप की अपनी संतान थी। तो अभी के लिए ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।